बस्ती के बच्चे बहुत सारी कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बच्चों को चित्र दिखा करके उनसे प्रतिक्रिया लेना, उन्हें प्रोत्साहन देना, इसका उद्देश्य बच्चों में तर्क संगत विचार करना आए, उनका मनोरंजन हो और वो पढ़ने में निपुण हो सके। ये चित्र देख रहे हो आप लोग कहानी? Yes, आपको बताना है कि इसमें क्या बातें हो रही होंगी इस चित्र में। गांव का रास्ता पूछ रहे हैं क्या एक दूसरे से? और कौन बताएगा? हाँ बताओ मुमताज। मैम ये अपने दुखी के बारे में बता रही हूँ। ये दुखी दिख रहे हैं आपको? यस। अच्छा और कोई बताए, ये दुखी इनके चेहरे से लग रहा है कि ये दुखी हैं आज? आप बताओ नेहा, आपको क्या लग रहा है? इनके घर मेहमान आए हैं। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं क्या? अरे और कुछ भी तो हो सकता है। मैम डॉक्टर पूछ रहे हैं, तबीयत बेकार होगी मैम। डॉक्टर का पता पूछ रहे हैं? यस मैम। सबको यस मैम यही लग रहा है कि फाइनली डॉक्टर ही का पता पूछ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मैम ये इनसे पैसे मांग रहा है, पैसे दे दीजिए, हमारे बेटी की तबीयत खराब है, उसको दिखाना है। अच्छा पैसे मांगते हैं तो दुखी होके मांगते हैं क्या किसी से? अच्छा ये इनके मित्र हैं, पैसे मांग रहे हैं। ये चित्र देखो, दूसरा वाला चित्र में क्या दिख रहा है? ये वही लोग हैं कि दूसरे लोग हैं? ये लोग हैं। वो लोग नहीं है जो ये दो बातें कर रहे हैं? फिर ये क्या कर रहे होंगे? जमीन के बारे में। जमीन इनकी है? ये जमीन इनकी है? अच्छा तो ये क्या बात कर रहे हैं इससे? जमीन बेच रहे हैं क्या? सबको यही लग रहा है जमीन बेच रहे हैं। अरे और कुछ देखो, ये हाथ में भी कुछ नहीं है, क्या होगा ये? घर के कागज हैं। घर के कागज इनको क्यों दे रहे हैं? अच्छा इन्होंने इनको कर्जा दिया है और वो उनका घर अब नीलाम कर रहा है। इसलिए किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए ना। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? ये घर देख रहे हैं दोनों लोग। घर नीलाम होने वाला है। नीलाम होने वाला है। अच्छा और कुछ, और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? देखो कितनी सारी चीजें निकल रही है, एक चित्र से बहुत सारी कहानी बन रही है ना। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैम इनकी बेटी की तबीयत खराब हो, मैम वो उनके पास पैसे हो दे, उसका सोच रहा कि घर अपना घर बेच कर अपने बेटी का इलाज करवा दे, इससे वो ठीक हो जाए। अरे दिलकश ने तो कहानी बना ली, इनकी बेटी की तबीयत खराब है और ये अपना घर बेच के उसका इलाज लेकिन आप लोग अच्छे से रहा करो, तबीयत ना खराब होनी चाहिए ना कि घर के बेचना पड़े। चलो सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करा कहानी बनाने का, इसी तरह आप लोगों को कहानी बनानी सीखनी है चित्र को देखकर। वेरी गुड।